2019 में हम लोग की बहाली की गई है और हम लोग को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। हम सर बेरोजगार हो गए, इस यही एक जीविका का साधन भी था हम लोग का, लेकिन अब यही भी छीन गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो ANM वर्कर्स हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष ने आज ही बिहार विधानसभा में जमकर सरकार को फटकार लगाई और ये कहा है कि हम सदन का बायकॉट कर रहे हैं, हम इस सेशन में नहीं आएंगे। लेकिन अभी भी महिलाएं इनके आवास पर पहुंची हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ बात हुई तेजस्वी जी से आपकी? सर वो बोले हैं जो हम बात रखेंगे। बात क्या है? सर हम लोग का बात हम लोग का है कि कोविड-19 में हम लोग की बहाली की गई है और हम लोग को सेवानिवृत्त कर दिया गया है कल। आप सर सरकार, हम पूछना चाहते हैं कि जो भी अगर हमारी मानव बल की ज़रूरत नहीं है, जो भी पहली फर्स्ट वेव में जो ज्वाइन की तो उनकी बढ़ोतरी कर दी गई और हमारी समाप्त कर दी गई है। हम सर बेरोजगार हो गए, इस यही एक जीविका का साधन भी था हम लोग का, लेकिन अब यही भी छीन गया। क्या लगता है, अभी उम्मीद है विपक्ष आपकी आवाज़ उठाएगा? वो तो है, उम्मीद तो है सर, क्योंकि हम लोग इतना कष्ट करके, बच्चे भी सबको छोड़ करके, परिवार को छोड़ के, अभी कोरोना टाइम में से क्या महिलाएं इतनी सारी आई हैं, उम्मीद है? यस सर, उम्मीद है कि मेरे लिए लड़ेंगे, इंसाफ लड़ेंगे। जी हाँ, लड़ेंगे। तो आए हैं सर, अब सर जाने कि हमारे लिए अपनी बहनों के लिए क्या करना चाहते और क्या करेंगे। अभी विधानसभा साल से काम किए फिर भी हटा दिया गया। हम लोग को शहरी ANM के रूप में, हायर ANM के रूप में, मतलब सेवा से निवृत्त कर दिया गया। 3 साल काम लेकर अभी जो है सोचे पड़ा गया कि आप लोग का सेवा समाप्त हो गया है, सेवा समाप्त कर दी गई है। और आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमें बेरोजगार करी है। जब ये लोग तेजस्वी यादव के सामने पहुंचे, क्या कुछ ये कह रहे थे, जरा वो वीडियो देखिए। 8,800 की जो बहाली हुई आ रही है सर, तो पहले हम लोग को सर जो दैनिक मजदूर हैं उनको पहले नियमित कर ले, फिर उन लोगों को ले ले सर, ज्यादा नहीं, पूरा बिहार की प्रक्रिया शुरू से कर रहे हैं लोग। हम लोग का कोई वेटेज नहीं दिया है, इस एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें ना तो हमारी जिक्र है, ना ही कोरोना काल में जितने भी ANM काम किया उसकी ना कोई अंक। पहले जो हम फॉर्म अप्लाई करते थे उसमें हमारी मांग की जाती थी कि आप कहाँ काम करते थे, अपने एक्सपीरियंस वाल लगाए, लेकिन इसमें हम सरकारी में काम किए, इस महामारी में काम किए, जब सब घरों में थे हमने सड़कों पे उतरा सर, घर घर जाके यूनाइजेशन किया, जांच किया, इसकी सलाह हमें ये मिली कि ना कोई अंक दिया गया है पहले भी, ना कोई वेटेज दिया है, ये लोग को बता भी दिए हैं। क्या बात पूरा कि जो प्रश्न ये डाले हैं कि ये लोग को आपत्ति काल में विपदा में आपने रखा, इनको हटा रहे हैं, इनको पहले सेवा निमित्त कीजिए और आगे आने वाली बहाली में इनको अधिमान वेटेज दीजिए। उसमें मतलब कि जिला स्वास्थ्य समिति से इसमें सर्जन सर हम लोग को रखे थे, देखिए शहरी ANM के क्षेत्र वैकल्पिक टीकाकरण के रूप में, उसमें हम लोग 3 साल काम किए और बोला गया कि जब भी वैकेंसी निकलेगी पहली प्राथमिकता आप लोगों की दी जाएगी। इधर जब आ गए सरकारी ANM तो हम लोग को BP में सब सामान ले लिए और बोले अब तुम लोग को काम सेवा समाप्त, बिना लिखित का ही सेवा समाप्त। 15 लोग हम लोग ज्वाइन किए थे उसमें, एक को हम दिए हैं एप्लीकेशन यहाँ पर। इस तरह सर जवाब दिए, उनके गेट से हम लोग को पास नहीं दिया जा रहा था, इस तरह बिहेव किया था, नहीं जाना सर मिलने के लिए 2 मिनट उनके पास टाइम नहीं। क्या सरकार हम लोग के लिए सर सचिवालय जाता है, मान लीजिए सरकार को ऐसे करना ही है, हम लोग का बहाली क्यों नहीं है, घर से बेघर क्यों कर रहे हैं? 3 साल बच्चा छोड़कर हम लोग कहां से कहां आए हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा कर रख दिए हैं, हम लोग का भविष्य को मजाक बना दिए। यही बात तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो 37 लेवल कर दिए कि 37 साल तक ही लेना है। जीएनएम का बहाली है, हम लोग को 40+ एग्जाम फेस करो, रीजनिंग मैथ दिस दैट करनी हो रही है, मैंने UPSC BPSC लेवल वाले को पूछ ले लिया गया सर, ANM वाले। तो आपने सुना है क्या कुछ ये महिलाएं तेजस्वी यादव को घेर कर जब खड़ी हो गई और क्या कुछ अपना दुखड़ा सुना रही थी। उसके बाद तेजस्वी यादव से हमने भी पूछा कि आगे क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा सेशन का बायकॉट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा में इस बात को जरूर रखेंगे।
क्या कुछ करें, तो एसपी यादव जरा सुनिए। महिलाएं रो रही हैं, करी है विधानसभा सवाल। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं हैं, कोरोना काल में सब लोगों की सेवा लिया गया, फॉल्स प्रॉमिस किया गया, अब जब बहाली की प्रक्रिया हो रही है तो इनको जो है दरकिनार कर दिया। तो ये सरकार तो इंसाफ कर ही नहीं रही है किसी के साथ भी। और कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बड़ा ये है वो है, अब देख लीजिए महिलाओं से बात करके आप देखिए समस्या जानी सरकार तक पहुँचे। और हम लोग तो लगातार उठते रहे, सवाल भी पिछले बार उन लोगों ने पूछा था, और हम तो लगातार शुरू से कह रहे हैं भाई कोरोना में तो आपको पूरी एक साल में तैयारी कर लेनी चाहिए थी। सारे खाली रिक्त पदे को भर दीजिए, वैकेंसी है लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा। एक तो रोजगार नहीं, आखिरी सवाल रोजगार नहीं, ऊपर से नहीं जब बेघर के नौकरी ले लिया गया है, तो क्या लगता है विधानसभा में आप इस बात को उठाएंगे? नहीं, विधानसभा में तो हम लोग लगातार उठाते हैं, विधानसभा में हम लोगों की बात कहाँ सुनी जा रही है। और जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है तो जनता देख रही है, जनता को ही निर्णय लेना है। आपने तमाम बातों को सुना है, बहरहाल देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार की रवैया जो है बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एएनएम वर्कर्स ने आज जब तेजस्वी यादव को घेर लिया, उनके ही आवास पर पहुँच कर महिलाओं से घिरे हुए तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है अपनी सभी बहनों को कि वह उनकी आवाज़ को उठाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।